हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, दिन की एक नई शुरुआत में। तो आप ये देखो, जा रहे हैं, बारिश लग पड़ी है। ठंड बहुत बुरा हाल है। ये देखो सारा गिल्ला हो गया घास से, बारिश हो रही है। इसको बांध लेती हूँ मैं अंदर बच्चे को और ये उगा लेती हूँ। तो जी मैं आई थी पशुशाला में, आ गई थी मैंने खाना खाया और अभी बर्तन से धो रही थी कि बारिश एकदम से अचानक से पड़ गई और मैं आगे दौड़ के पशुशाला। अभी मैंने बाल धोया, अभी वो गिल्ले हैं और उसमें साथ मैंने घास भी काटा, जल्दी 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 घास काटा और फिर मैं आ गई यहाँ पे। यहाँ मैंने घास मतलब बाहर सूखने डाला था ना, वो मैंने उठाया फटाफट, मैंने गिल्ले हो जाएगा नहीं तो फिर मतलब रुटना। अगर जैसे हम उसको टोके में ऐसे काटेंगे ना, इसमें दिखाऊंगी मैं आपको, तो वो गिल्ला हो जाएगा तो पशु खाते नहीं है उसको। तो फिर मैंने क्या किया, फिर ये बच्चा है ना उसको अंदर बांध दिया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इधर ये बैठी हुई है, खड़ी हुई है ये, और इसके साथ ये बच्चा देखो, इसका बच्चा बीमार हुआ था और वो नहीं है ना, पर ये इसका बच्चा है। और ये जो भूस था ना इधर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, जो ऐसे ही नीचे वाला होता है रेत वगैरह थोड़ी थोड़ी, वो भूई बोलते हैं, वो मैंने इनके नीचे बिछा दिया है। अभी आराम से रहेंगे। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो घास है ना, ये ढेर लगा दिया मैंने, इसको मैं ये लकड़ी का एक टोका जैसा उसके ऊपर दराट से टुकूँगी। और ये लाया मैंने हरा घास इसके ऊपर, इसको भी मैं साथ में मिक्स करके डालेंगे। फिर है तो टोका भी ना, उसकी लाइटमेंट ख़राब हुई है, वो ना बार बार बेल्ट काट रहा है। तो टोका तुम्हारे पास है बिजली वाला टोका, पर कहीं मतलब बुलाया हमने मैकेनिक को, रात नहीं सुनाई नहीं करते हैं, क्या करना, कितना महंगी चीज़ लाई हुई है और वैसे रखी हुई है, वो क्या फ़ायदा है इसका। चलो कर लेते हैं काम फिर। तो जी हमने ये सूखा घास जो है द्राट से ऐसे टोके पे पीस पीस कर लिया है, इसके टुक दिया है। और अब ग्रीन ग्रीन जो हरा घास लाया है हमने, उसकी बारी है, तो उसको काटते हैं अब, फिर मिला करके इनको डालेंगे। तो चलिए काम करते हैं अब।
डाल दिया मैंने घास, देखो खुली भर दी है इनकी, जो मैंने लाया था वो सारा डाल दिया, टुक टाक के जो भी था वो मैंने डाल दिया है। और थोड़ी सी बातें शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। ये जो ना भैंस है ना, ये दोनों मेरे को सबसे बहुत प्यारी है मेरे को दोनों भैंसें, क्योंकि मेरा जो है पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है पहले से ही। मतलब पहले से ही, जब मेरे पापा भी पालते हैं ना उधर मायके में, तो मेरा जो है पशुओं से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मेरे को अच्छा लगता है इनकी सेवा करना, इनकी केयर करना, लेकिन पशु मैं पालती हूँ तो ऐसा पालना मतलब अच्छी उनकी परवरिश करो, अच्छा उनको घास दो, पानी दो, खुराक दो, ताकि मतलब वो भी हमें ऐसा अच्छा समझे, मालिक की तरह समझे। कई लोग पता क्या करते हैं, पाल लेते हैं और उनकी हड्डियाँ निकाली होती हैं, हड्डियाँ निकली होती हैं, ऐसे अच्छी नहीं लगते हैं दिखाने में भी और देखने में भी। उनको जोड़ा पड़ा होता है ना, जैसे पशुओं का रस्सा पड़ा होता है, तो बेचारे को उनको उनकी केयर करनी चाहिए, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। तो ये वाली जो भैंस है ना, ये वाली, ये मुझे बहुत प्यारी है, ये तो अभी लाई है ना ये वाली, इसके साथ मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की गिफ्टेड भैंस है। मुझे लोगों के पति वाली क्या कह देते हैं, मेरे पति ने दी मुझे गिफ्ट में भैंस, क्योंकि ना तो 4 साल पहले जब हमने मकान का काम लगाया था ना, तो मेरी तबीयत ऐसे ख़राब जैसी रहती थी, मैंने पशुओं को बेच दिया था। मतलब एक भैंस थी मेरे पास, वो मैंने बेच दी ही, फिर मकान का काम लगाया हुआ था तो मैं थोड़ी बीमार भी रह रही थी, तो मैंने वो मैंने बेच दी। तो फिर उसके बाद पता क्या हो गया, हमारे खर्चा इतना ज़्यादा मकान का हो गया ना, कि जो है खर्चा घर का करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने अपने पति को ऐसे कहा कि चलो भाई, अब मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब ही है, चलो काम करने से कौन मरा है, ना कोई मरेगा। तो मैंने कहा चलो भाई, एक मेरे को भैंस ही ला दो आप, गाय तो हम नहीं पालते हैं भाई, भैंस ही पालते हैं ना। तो हमने कहा कि ठीक है, एकदम से हाँ कर दी कि ठीक है भाई, तूने कमाना है तो तू कमा ले भाई, तूने कमाना तो देख ले। मैंने कहा मैंने भी भैंस पाल लेनी, फिर मैंने भैंस पाली, और मैंने मतलब वो हमने 60,000 की ली थी, ये वाली, ये परले वाली, तब ये ली थी मैंने 60,000 की, ये वाली भैंस, ये वाली भैंस मेरी 60,000 की थी। और इसको मतलब दूध बेच बेच के ना हमने फिर एक और ले ली, पति ने भी डाले थोड़े पैसे, थोड़े मैंने डाले, तो और एक भैंस हमने और ले ली, पर वो भैंस ना अच्छी नहीं निकली। मतलब अच्छी तो थी पर ऐसे ना ज़्यादा दूध नहीं देती थी ज़्यादा, फिर चलो जो भी था उसने भी दिया, हमारा जो भी था। फिर उसके बाद हमने उस दूध के पैसे इकट्ठे कर करके दोनों के भैंसों के मतलब 1.5 साल हमने दोनों भैंसें पाल रखी, तो उनके पैसे इकट्ठा करके वो भैंस की 30,000 की वो भैंस गई, और 60,000 हमने ऊपर, ये 90,000 की भैंस हमने ली है, अभी ली है जनवरी में, इस बार ली जनवरी में, तो वो ली थी, इसकी याद है मुझे, ये ली है हमने, हाँ 3-4 महीने हो गए इसको लिए हुए, अक्टूबर नवंबर में लिए शायद, नवंबर में, हाँ। ये भैंस भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे अगर औरतें होती हैं ना, वो घर को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। मेरा मतलब मेरे सभी औरतों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग बेले में ना बैठें, कुछ ना कुछ अपने पति की हेल्प करें, पैसे में या कुछ भी आप जो काम आता है वो करें, क्योंकि आजकल मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर का खर्चा करना इतना मुश्किल हो गया है ना। ये अगर दोनों जने कमाएंगे ना, तभी मतलब कुछ ना कुछ होता है घर में, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा लगाओ आप, घर का एक चीज़ खरीद के ही है, खेती बाड़ी में भी जब पैसा पहले लगाना पड़ता तब जाके खेती होती है। अब हम पास दूध बेचते हैं ना, 15-16 किलो दूध बेचते हैं, तो उसके लिए हमने पहले पैसा लगाया हुआ है, जो हमने भैंसें लाई हुई हैं ना उनको पैसा लगता है, तब जा करके हम दूध बेचते हैं। पर फिर भी मेहनत है ना, चलो लाई हुई हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं, तो उतना नहीं फील होता है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इस ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और गाइज अगर मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना गाइज, और कमेंट भी करना। तो इसके साथ मेरा बसता रहे हिमाचल, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो, बाय।